बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर रफात। टुडे वी आर गोइंग टू डिलीवर द फोर्थ लेक्चर ऑन एक्सरसाइज 12.5, क्वेश्चन नंबर 10। कोसेक एक्स प्लस टू इंटू टू कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्या होगा? बोथ फैक्टर्स विल बी इक्वल टू जीरो। हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि दिस प्रॉपर्टी ओनली वैलिड व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी इक्वल टू जीरो। So here cosec x equals to minus 2, cosec x 1 over sin x होता है, it is equals to minus 2। reciprocal कर लेते हैं तो this is the sin x equals to minus 1 upon 2, ये sin x की वैल्यू आ गई। पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, देन 2 cos x equals to 1 and cos x equals to 1 upon 2। तो पहले हम वर्किंग करेंगे sin x is equals to minus 1 upon 2 और फिर हम वर्किंग करेंगे cos x is equals to 1 upon 2। तो हमने बताया था कि नेगेटिव साइन विल टेल यू द फंक्शन लाई इन विच क्वाड्रेंट। सो व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर, वी आर नॉट सपोज टू यूज दिस नेगेटिव साइन। ये हो जाएगा x is equals to sin inverse 1 upon 2। तो ये हमारे पास 30 होता है, दैट इज पाई अपॉन 6। तो अब आप देखें, सिंस साइन x इज नेगेटिव, सो इट लाई इन, ओके स्टूडेंट्स, तो सिंस साइन x इज नेगेटिव सो इट लाई इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसकी डिटेल हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, सो दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस पाई अपॉन 6 इन थर्ड क्वाड्रेंट। So this is 6 1 6 7 7 pi upon 6. Similarly, x is equals to 2 pi minus theta, that is pi upon 6, 6 2 is a 12, that is in fourth quadrant. So 6 2 is a 12 or 11 pi upon 6. So aap dekh rahe hain ki we have two angles here in the third quadrant and in the fourth quadrant. अब आइए हम इसकी cos x को लेके इसकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। नाउ cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, सो दिस इज cos इनवर्स 1 अपॉन 2। cos इनवर्स 1 अपॉन 2 दैट इज 60 डिग्री, मीन्स पाई अपॉन 6। तो अगेन वी हैव टू यूज द सेम स्ट्रेटजी हेयर, cos x इज पॉजिटिव सो इट लाई इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो देयर इज नो चेंज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द एंगल रिमेन सेम। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो दैट इज 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3, सो दिस इज 3 टू जा 6 माइनस 1 5, 5 पाई अपॉन 3। तो आप देख रहे हैं कि हमने तमाम एंगल्स की वैल्यूज फाइंड कर ली। साइन एक्स और कॉस एक्स दिया हुआ है, सो द जनरल पीरियड ऑफ द साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज 2n पाई। तो हम इसके जनरल सॉल्यूशन बना लेते हैं डायरेक्टली। तो पहले हम वैल्यू ले लेते हैं साइन के लिए, तो दैट इज 7 पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई। सेकेंड वैल्यू थी 11 पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई यूनियन पाई अपॉन 3 प्लस 2n पाई, क्योंकि कॉस और साइन का पीरियड सेम होता है। एंड दिस इज 5 पाई अपॉन 3 प्लस 2n पाई। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। टेंजेंट थीटा इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा।
So this sign will cancel out to this sign. So this is 1 over cos theta equals to 2. So this is 1 is equals to 2 cos theta, and 1 upon 2 is equals to cos theta, and this is cos theta equals to 1 upon 2. So dekhiye students, since cos theta is positive, so it lie in first and fourth quadrant. So theta equals to cos inverse 1 upon 2. So theta equals to 60, that is pi by 6. Okay, so pi by 3 hoga 60 degree. So first quadrant may remain same. So fourth quadrant mein hai, to 2 pi minus theta ho jayega. In fourth quadrant, इसकी डिटेल्स हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं आपसे. 3 2 6 और 1 निकल गया तो 5 pi upon 3. तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि दो एंगल्स आ गए. फंक्शन कॉस थीटा है तो फिर इसका जनरल एंगल क्या होगा, 2n pi. तो डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देते हैं तो पाई अपॉन 3 प्लस 2n pi यूनियन 5 pi upon 3 प्लस 2n pi. ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. दिस इज 4 sin² x / 2 = 3. तो ये हो गया sin² x / 2 = 3/4, और sin इज इक्वल्स टू x / 2 ± √3/2. तो दैट मीन्स sin x / 2 = √3/2, और sin x = −√3/2. अब इसके लिए अलग से वर्किंग करेंगे और इसके लिए अलग से वर्किंग करेंगे. सो दिस इज x / 2 = sin inverse √3/2. ओके स्टूडेंट्स, sin inverse √3/2 क्या होता है, π/6. बाद में इसको हम एडजस्ट करेंगे और ये 2 शिफ्ट होगा उस वक्त जब हम इसको पीरियड को ऐड कर देंगे. अब हम ये ले लेते हैं, साइन माइनस है तो फिर हमारे पास क्या होगी, सिचुएशन सेम रहेगी और इसको हम अकॉर्डिंग टू देयर साइन ट्रीट करेंगे. तो पहले पॉजिटिव के लिए लेते हैं फिर हम नेगेटिव के लिए लेते हैं. तो सिंस sin x / 2 इज पॉजिटिव, सो इट लाई इन फर्स्ट and second quadrant. तो अब आप देख रहे हैं कि first quadrant में है तो कोई change नहीं आएगा in first quadrant. अब आप second quadrant में लेके चल रहे हैं तो x/2 = π - θ. तो ये हो गया x/2. 3 1 3 में से निकलेगा 1, तो 2π/3 इसकी वैल्यू. अब चूंकि साइन नेगेटिव है तो आइए हम नेगेटिव के लिए वर्किंग करते हैं. सिंस sin x / 2 इज नेगेटिव, सो इट लाई इन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर. तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/3. 3 1 3 4π/3. ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया. अब ये चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है तो 2π माइनस हो जाएगा, 2π - π/3. तो ये हो गया 3 2 6 5π/3. ये मेरे पास 4 रिजल्ट्स आ गए. अब इन रिजल्ट्स में पहले 1 by 1 पीरियड को ऐड करेंगे. ये पहला एंगल है, इस पर हमने क्या किया, 2n pi को ऐड कर लेते हैं. अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2π/3 और ये हो जाएगा 4n pi. ये मेरे पास पहला एंगल आ गया. अब दूसरा एंगल हमारे पास क्या था, 2π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3 + 2n pi.
तो ये टू डिवाइडर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4π/3 और ये हो जाएगा 4nπ। ये हमारे पास इसका नेक्स्ट एंगल आ गया। अब इसका आप नेक्स्ट एंगल ले लेते हैं, x/3 क्या था, 4π/3 था, तो इसमें भी 2nπ ऐड कर लेते हैं और ये 2 है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 8 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं और 2 2 4 हो जाएगा nπ। ये मेरे पास तीसरी वैल्यू आ गई। फोर्थ वैल्यू क्या है, x/2 है, ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा आप, तो ये दिस इज x/2 नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 5π/3, तो 2nπ ऐड कर लेते हैं, पिछले में आप जहन में रखिएगा मैंने गलती से 3 लिख दिया था, तो ये हो जाएगा 2 5 10π/3, 2 2 4 nπ। ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आ गया, फोर्थ सोल्यूशन आ गया। तो अब आप देखें कि हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया, तो पहला सोल्यूशन सेट क्या बना, 4nπ यूनियन 4π/3 + 4nπ, और ये दो सोल्यूशंस भी आ जाएंगे, 8π/3 + 4nπ यूनियन ये हो गया 10π/3 + 4nπ। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस फर्दर डिस्कस किए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर रफ़ात। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।